इतना डरता है बिल्कुल देश के अंदर अगर हम बात करें तो कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके चलते लगातार कोरोना में अप्स एंड डाउन्स भी देखे जा रहे हैं। डोज की बात करें, हमें इस समय बाबापुर वार्ड के अंदर बाबापुर की निगम पार्षद ने यहाँ जो गोवर्धन पब्लिक स्कूल है यहाँ पर बूस्टर डोज का शिविर लगाया है। मैम क्या कहना चाहेंगी, आज इस जो कैंप लगाया आपने कोरोना की वैक्सीन को लेकर के क्या कहना है? देखिए, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो नए नए रूप में नए नए नाम लेके लोगों के बीच में आ रही है जी। तो हमारे क्षेत्र के सभी लोग सुरक्षित रहें उसकी भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हमने एक बूस्टर डोज कैंप लगवाया है। उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की ही बूस्टर डोज लगाई जा रही है, और आसपास जितने भी लोग हैं सबको हम कई दिनों से लगातार संपर्क में हैं लोगों से, तो सब लोग आ रहे हैं और इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी नज़दीक में कहीं बूस्टर डोज लग रही हो तो सब लोगों को लगवा लेनी चाहिए वो। मैडम आखिर दो लग चुकी है, तीसरी लग रही है, फिर इसके बाद में चौथा, इसका एंड देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, वो आएगा भी तो इफेक्टिव नहीं होगा। अगर होगा भी ना, जैसे पहले भाई डेथ हो रही थी, आप डेथ ऑफ रेशो देखो तो ऐसा नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ आपको मतलब प्रोटेक्ट करेगा एक तरह से कि अगर हो भी गया तो हार्मफुल नहीं होगा। लगभग डोज की बात करें, कितनी डोज लग चुकी है अभी? अभी इसमें कोविशील्ड की 50 के लगभग लगी है और कोवैक्सीन की अभी 10 है, क्योंकि कोवैक्सीन की कम है, बूस्टर डोज मतलब कम लोगों ने लगवाई थी कोवैक्सीन, और कोविशील्ड की ज़्यादा। रिस्पॉन्स की बात करें, सही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सब लोग आ रहे हैं और अपनी इच्छा से आ रहे हैं, लगवा रहे हैं सब लोग यहाँ पर, और अभी 2 बजे तक कैंप चलेगा। क्या ये एक ही दिन है या और अभी? नहीं, अभी फिलहाल तो आज एक ही दिन है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर दोबारा भी लगवा लेंगे। पूनम जी क्या कहना चाहेंगी इस कैंप के माध्यम से? इस कैंप के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, जो ये स्कूल है गोवर्धन स्कूल, इसके जो प्रबंधक है विष्णुदत्त शर्मा जी, वो समय समय पे ऐसे कैंप आयोजित करते रहते हैं, और जो हमारी निगम पार्षद हैं वह हर क्षेत्र में अपने वार्ड के हर क्षेत्र में महिलाओं बच्चियों सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहती हैं, और उनकी स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने के लिए समय समय पे कैंप लगवाती हैं और उनको घरों से बुलाती हैं और उनको प्रोटेक्ट करती हैं। विष्णु जी से बात कर लेते हैं जो इस स्कूल के संस्थापक भी हैं। विष्णु जी क्या कहना चाहेंगे इस शिविर के बारे में? भाई सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आपके माध्यम से ये संदेश जन जनता तक पहुंचा, जनार्दन तक। राहुल जी, कोरोना एक डिसीज़ है और कोई भी जो आपदा आती है वो कह कर के नहीं आती, बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से आप जितनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तो आपको देख कर हम भी प्रेरणा लेते हैं कि भाई हम भी करें। तो पहले जब शुरू में था तो स्वच्छता अभियान के माध्यम से कोरोना का जो अवेयरनेस का कार्यक्रम किया हमने अपनी सभी विधानसभाओं में, और उसके बाद जब ये वैक्सीन आ गई तो थर्ड डोज पे हमने प्रयास किया कि हम अपने विद्यालय के अभिभावकों के साथ जुड़ें और क्षेत्रीय जो लोग रह गए हैं तो उनको शायद ये पहला कैंप है जो हमारे स्कूल में लगा है। जी हाँ, बूस्टर कैंप जी, ये पहला कैंप है। बाकी तो जैसे जहाँ जहाँ डिस्पेंसरी में कोविड शील्ड के और कोवैक्सीन के कैंप लगे थे वहाँ सभी ने लिए, मैंने भी अपने दोनों वैक्सीन स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में लगवाई हैं और अपनी जो थर्ड बूस्टर डोज RW कैंप में लगवाई है। तो हमारा भी एक प्रयास था कि भाई आज जैसे बल्बी नगर नाला पार हुआ, आज बल्बी नगर एक्सटेंशन हो जाए, अब इसके बाद जो स्वीकृति सुनने में आ रहा है कि जो SDM टीम है वो अशोक नगर के लिए तैयारी हो रही है, तो अब हमारा प्रयास है कि हम अशोक नगर में जाकर लगाएं।